नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंटरनेशनल मैचों को लेकर बीसीसीआई पर ही सवाल दाग दिया है। लगातार क्रिकेट होने की वजह से हर कोई इस समय परेशान है और हर खिलाड़ी चाहता है कि फैमिली के साथ घर पर वक्त बिताएं। वर्कलोड मैनेजमेंट टीम इंडिया की बहुत अच्छी है, पर इंटरनेशनल मैचों का कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। साथ ही बायो बबल में लगातार रहने की वजह से हर खिलाड़ी को इस समय परेशानी हो रही है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे के बाद कप्तान कोहली ने अपने बयान में कहा था, भविष्य में शेड्यूलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सभी से एक ही समय पर एक समान स्तर की मानसिक मजबूती की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको कभी भी इसमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस होगी। हालांकि INS के पास मौजूदा जानकारी के मुताबिक BCCI ने खिलाड़ियों को सभी मैच खेलने के लिए मजबूर नहीं किया था। बोर्ड से जुड़े एक सूत्र ने कहा, कोरोना के समय आप एक हद तक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं, लेकिन हर स्थिति का पूर्वाभ्यास नहीं करेंगे। जिस तरह की हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसे देखते हुए अगर कोई ब्रेक लेना चाहता है तो आराम दिया जा सकता है। BCCI ने खिलाड़ियों पर यह फैसला छोड़ा था कि अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होती है तो वो मैचों से ब्रेक ले सकते हैं। वैसे एक बात यह भी है कि पहला वनडे मैच जीतने के बाद कोहली ने कहा था, हर मौके के लिए हमारे पास 2-3 खिलाड़ी उपलब्ध हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए ये काफ़ी अच्छा संकेत है। अभी हम सही रास्ते पर हैं और खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक बड़ा पूल है। आपको बता दें, 9 अप्रैल से IPL टूर्नामेंट शुरू है और IPL कोई खिलाड़ी छोड़ना नहीं चाहता। इसके बाद इंटरनेशनल कार्यक्रम में भारत को जून में इंग्लैंड जाना है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिस्सा लेना है और फिर इंग्लैंड के साथ ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी भारत को खेलनी है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।